हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइज में, जहां पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम का बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज के बारे में बताया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टैली प्राइम की न्यू न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। और आप टैली प्राइम के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे हमें टेलीग्राम पे फॉलो करके। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कॉस्ट सेंटर क्लास, कॉस्ट सेंटर क्लास हम कब यूज़ करते हैं दोस्तों? अगर हमें अपनी कंपनी के एक्सपेंस और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एम्प्लॉय वाइज या प्रोजेक्ट वाइज या अपने बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो हम कॉस्ट सेंटर क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की वीडियोज़ आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको स्टार्टिंग से कॉस्ट सेंटर्स के बारे में अपडेटेड किया गया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में। कॉस्ट सेंटर क्लास आपको अनेबल कैसे करना है? आपको जाना है पहले ऑल्ट के कंपनी, उसके बाद F11, उसके बाद शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर को आपको कर देना है यस। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अनेबल कॉस्ट सेंटर्स, अनेबल कॉस्ट सेंटर्स, अनेबल कॉस्ट सेंटर्स पे आपको जाना है दोस्तों और आपको कर देना है यस। उसके बाद आपको करना है कंट्रोल ए। अब हम ये देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्लास को हम अनेबल कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर क्लास को अनेबल करने के दो तरीके हैं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। पहला तरीका है ऑल्ट के, F11, कंट्रोल आई या फिर मोर डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको जाना है शो मोर पे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर क्लास, कॉस्ट सेंटर क्लास, इस पे आपको कर देना है एंटर। यहाँ पे आपको नेम आएगा आपकी कंपनी का और यहाँ पे आपको आएगा सबसे पहले क्लास का नेम। तो इसके पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इस सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, एक सेल्स मैनेजर है वो प्री डिफाइन करना चाहता है एलोकेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंस टू ईच कॉस्ट सेंटर विच कैन बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। कॉस्ट सेंटर क्लास का आपको फ़ायदा क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, आपको हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग इनकम या फिर एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करने की नीड नहीं पड़ती, आपको सिर्फ एक परसेंटेज उनका डिफाइन करना पड़ता है कॉस्ट सेंटर क्लास में अनेबल करते वक्त। तो क्या रहेगा, जब आप एंट्री करते हैं आपको सिर्फ वो कॉस्ट सेंटर क्लास सेलेक्ट करनी होती है और वो ऑटोमेटिकली इनकम या फिर एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है उस क्लास के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू कॉस्ट सेंटर क्लास का महत्व को आज हम समझेंगे टैली प्राइम में और कैसे हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे एक कन्वेंस एक्सपेंस है 50,000 का, जो कि इन चार एम्प्लॉयज़ के बीच में सेल्स मैनेजर ने डिफाइन करा है। अमन को 15%, रोहित को 25%, राज को 35% और रितेश को 25%। चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बना सकते हैं कन्वेंस एक्सपेंस, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी कॉस्ट कैटेगरी क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे हमारी कॉस्ट कैटेगरी कोई पर्टिकुलर कॉस्ट कैटेगरी नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स के अकॉर्डिंगली हमें ब्रेकअप दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, जो कि बाय डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे हमें ये वाले एम्प्लॉयज तो दिए नहीं गए, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से भी हम देखिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम वन बाय वन कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉस्ट सेंटर भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कैटेगरी को चेंज करना है, रखना है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। पहला हमारा कॉस्ट सेंटर है अमन, अमन सेव कर दिया। अब अमन को हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है दोस्तों, 15%। चलिए हम अमन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 15%। उसके बाद हमने एक और बनाई, सेकंड वाला हमारा क्या है, रोहित को हमने 25% दिया है, तो यहाँ पे हमने बनाया रोहित, सेव कर दिया और रोहित को हमने दिया 25%। थर्ड वन है हमारा राज, राज को हमने दिया है 35%, राज को हमने दिया 35%। और फोर्थ वन है हमारा रितेश, रितेश को हमने दिया है, क्रिएट करना है हमें पहले रितेश,
रितेश को हमने दिया बाकी का 25%। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने कॉस्ट एलोकेशन को प्रीडिफाइन कर सकते हैं एज अ परसेंटेज वाइज के 100% का कितना कितना पोर्शन आपने अपने एम्प्लॉयज़ में प्रीडिफाइन किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास को अनेबल करके और कॉस्ट सेंटर क्लास बना सकते हैं। अब हमें इसे कर देना है सेव। ये हो गया हमारा सेव। अब मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीके से टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर क्लास बना सकते हैं। सेकेंड तरीका क्या है, हमें जाना है क्रिएट में। क्रिएट में हमें जाना है शो मोर पे। आपको कॉस्ट सेंटर के नीचे एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर क्लास का। ये देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो गई। अगर आपको कोई और कॉस्ट सेंटर क्लास बनानी है तो आप यहाँ पे दूसरी कोई कॉस्ट सेंटर क्लास भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बनाया इंसेंटिव, तो यहाँ पे आप यहाँ कॉस्ट कैटेगरी लेके कॉस्ट सेंटर क्लास बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम अभी कन्वेंस एक्सपेंस के लिए देखते हैं, तो आइए इसको हम कर देते हैं सेव। अब हमारी बन गई है कॉस्ट सेंटर क्लास। तो आइए अब हम देखते हैं वाउचर्स में हम कॉस्ट सेंटर क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं। आइए हम आते हैं वाउचर्स पे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे सेल्स मैनेजर ने कन्वेंस एक्सपेंस के लिए पे किया था, वो दिखाने चाहते थे उनके एलोकेशन ऑफ इनकम या फिर एक्सपेंस। अब कन्वेंस एक्सपेंस है तो डेफिनेटली ये पेमेंट ही हुई है, तो हमें ओपन करना है पेमेंट वाउचर या फिर F5 आप प्रेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर स्लैश क्लासेस, ये आपको अनेबल कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं आता है तो आपको जाना है F12 में और शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को आपको कर देना है यस। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, ये वाला ऑप्शन आपको करना है यस। अगर आप ये ऑप्शन यस नहीं करेंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर स्लैश क्लासेस का ऑप्शन नहीं आएगा, जिसमें आप अपनी कॉस्ट सेंटर क्लास को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन आपको करना है यस। उसके बाद आपको कर देना है स्क्रीन को सेव बाय कंट्रोल ए। अब ये देखिए कॉस्ट सेंटर क्लासेस। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एक बार बस सेलेक्ट करेंगे कि आपकी क्या क्लास है, उसके बाद एंट्री करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ले लेगा अमाउंट की। यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ये देखिए जैसे ही आपने सी लिखा आपकी कॉस्ट सेंटर की क्लासेस अवेलेबल जो थी वो आ गई। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कन्वेंस एक्सपेंस, बैंक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम कन्वेंस एक्सपेंस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, ये कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल आपको रखना है यस, कर देना है कंट्रोल ए। अब टोटल अमाउंट कितने का था जो दिया था 50,000 का, तो यहाँ पे आपको लिखना है 50,000 और कर देना है इस एंट्री को सेव। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का कोई भी ऑप्शन नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है। जब भी हम कॉस्ट सेंटर क्लास यूज़ करते हैं तो पहले हमें एंट्री को सेव कर देना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन रहता है पेज अप करके, PGUP करके एक बटन रहता है पेज अप का, तो आपको वो कर देना है पेज अप। अब ये देखिए यही एंट्री हमने की थी कन्वेंस एक्सपेंस की, यहाँ पे 50,000 का अमाउंट था और जितना जितना परसेंटेज हमने डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली चारों एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्वेंस एक्सपेंस का परसेंटेज ले लिया। परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग 15, 25, 35, 25, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज ले लिया ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत एक ईजी है। इसमें क्या रहता है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास को सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और वो ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है। तो आइए हम इस वाली एंट्री को भी कर देते हैं सेव। सेव कर दिया। इसकी रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, चार तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। कैटेगरी समरी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाले देखने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप हम पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के वाइज देख सकते हैं कि अमन को कितना दिया गया है। उसके बाद हम लेजर ब्रेकअप भी देख सकते हैं, जैसे कन्वेंस एक्सपेंस का ही, कन्वेंस एक्सपेंस में किस किस को दिया। एंड हम ग्रुप ब्रेकअप भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में किस किस को कितना कितना दिया गया है। तो इस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर क्लास यूज़ कर सकते हैं टैली प्राइम में। बहुत इजी और अच्छा फीचर है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए
अपडेटेड वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।